झामुमो ने अब बागी नेताओं पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। खूंटी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बसंत लौगा के बाद अब पार्टी ने विधायक चमरा लिंडा पर कार्रवाई की है। उन्होंने बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र के इस विधायक को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि चमरा लिंडा ने लोहरदगा लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है, जबकि उस सीट से इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया है। झामुमो के केंद्रीय नेतृत्व ने बिशनपुर विधानसभा सीट से चमरा लिंडा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये कार्रवाई पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश के आलोक में की गई है। जारी अधिसूचना में उन पर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य करने की बात लिखी गई है। पार्टी ने उन्हें निलंबित करते हुए सभी पदों से मुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि चमरा लिंडा के लोकसभा चुनाव में नामांकन के बाद से ही झामुमो ने कार्रवाई करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया था। इसके लिए पार्टी ने जिला कमेटी से राय मांगी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस संबंध में कहा था कि वह कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप ही कदम उठाएगी। इससे पहले पार्टी ने बसंत लौंगा को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बता दें कि विधायक बसंत बागी होकर खूंटी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।